हेलो एवरीवन, कैसे साहो? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आज जो है ना रात को ये मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, तकरीबन 9 का टाइम हो गया। तो ये मैं शहजाद के लिए बना रही थी ऑमलेट, और क्योंकि मैंने बनाई है आलू फलियाँ और वो शहजाद को पसंद नहीं है, तो ये मैंने अपने लिए बनाई थी। तो मुझे ये बहुत पसंद है, तो शहजाद को ये पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उनके लिए ऑमलेट बना दिया है। अभी वो खाना खा लेंगे। कैरल अभी इधर ही लेटी है। कैरल, अभी मैं ना जाऊंगी छत पे, तो इधर ना ऊपर फिर छत पे जाए ना हम, तो सिग्नल जो है ना बहुत ही कम आते हैं। मैं ये बात कर रही थी कि ना टेरेस पे सोते हैं ना, तो वहाँ सिग्नल थोड़े कम आती है, और क्योंकि मैं यहाँ जिनकी वीडियो जो मेरी बस देखते हैं स्पेशली, उनकी मैं वीडियो वॉच करके तो फिर मैं ऊपर जाती हूँ। अगर मुझे डे में टाइम मिल जाए तो मैं डे में देख लेती हूँ, वरना मैं इस वक्त जो है ना देखती हूँ। तो फ़िलहाल जो इस वक्त मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, मेरा बीपी बहुत ही हाई है, तो मुझे ना उस कारण बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। मैं मेडिसिन खा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मेडिसिन खाए हुए मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, तो फिर भी अभी तक जो मेरी तबीयत ना कुछ बेहतर नहीं हुई। मैं सोच रही हूँ दोबारा जो है ना चेकअप करवा लूँ। तो शहजाद भी बाहर गए हुए हैं किसी काम से, तो वो आए ना तो फिर हम ऊपर छत पे जाते हैं। तो अभी मैंने उनके लिए खाना रेडी कर दिया, तो मैं छत पे जा रही हूँ। तो आप लोग मेरे लिए प्रे करें और मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और अक्सर मुझे यही कमेंट आते हैं कि आप हमारी वीडियो पे नहीं आते, घर में थोड़ा इशू चल रहा है, इस कारण ना फिर मैं वीडियो जो है ना खुद भी नहीं बना पा रही है। जो मेरी वीडियो पड़ी हुई मैं जो अपलोड कर रही हूँ अपने अनमृता जो मेरा चैनल है मेकअप वाला, उस पर वो पहले की पड़ी हुई है, तो मैं नहीं बना रही वीडियो। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो ही बना के ये शेयर कर देती हूँ, तो इसलिए फिर जो है ना मैं वीडियो नहीं बना पा रही। और मेरी तबीयत भी ख़राब है, काफ़ी दिनों से मुझे ना इसी तरह बीपी का इशू हो रहा है, और मेरा बीपी जो है ना काफ़ी हाई हो रहा है। इस कारण कुछ ऐसे इशू होते हैं जो ना हम लोग वो मतलब यूट्यूब पे नहीं शेयर कर सकते, पर्सनली होती है चीज़ें, घर की होती है, और घर में रह जाए तो अच्छी होती है। तो इसलिए ना फिर इस टेंशन में परेशानी में ना तो वीडियोज़ मैं नहीं बना पाती। अगर ये कुकिंग की मैंने बनाई है, फिर वो अगर मेरी कुछ तबीयत ठीक हो, मूड अच्छा, तो वो मैं रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। तो उस दिन मैं गई थी फिर डिस्कोट अपनी नानी के गांव, वो भी लोग मेरा पड़ा हुआ है, तो वो भाई लोगों ने मुझे कॉल की, बहुत उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आप इधर आ जाओ, थोड़ा माइंड चेंज हो जाएगा, तो टेंशन ना लिया करो, थोड़ा हैप्पी हो, थोड़ा बीपी तेज़ रहता है। इस कारण उन्होंने फिर मुझे काफ़ी फोर्स किया कॉल पर भी कि इनकी छुट्टियाँ तो आ जाओ। तो इसलिए फिर कैरल भी मुझे काफ़ी फोर्स कर रही थी, क्योंकि वो मेरी कज़न सिस्टर ना, तो उसको ना इससे बहुत ही प्यार है। तो वो कह रही थी मम्मा मुझे जाना है मासो के पास, साटा के पास, तो मतलब उसका नेम सितारा है ना, तो ये प्यार से साटा बोलती है। तो इसलिए फिर मैं ये दो रीज़न थे जो वहाँ गई, वरना घर की कंडीशन काफ़ी जो है ना ख़राब है, और इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रही और वीडियोस पे भी नहीं जा पा रही। अगर मेरा मूड अच्छा हो तो भी ये ठीक हो, तो फिर मैं किसी न किसी की वीडियो देख लेती हूँ, वरना मुझे सारे ही याद रहते हैं मेरे व्यूवर्स जो मुझे देखते हैं, मैंने इनकी वीडियोस पे जाना है देखना है। तो बस ये रीज़न थी। आप मेरे लिए प्रे करें ताकि सारे मुस्लिम सारे जो वो ठीक हो जाए, और खुदा बेहतर करे, और मैं काम भी जो है ना अपना अच्छे से कर पाऊँ। तो जी ये था मेरी छोटी सी वीडियो, और आप लोगों को मैंने रीज़न बतानी थी, आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और मैं यही सोच रही थी कि वीडियो कमेंट पे क्या हटे किसी को बताऊँ, तो मैं छोटी सी वीडियो बना के आप लोगों को बता देती हूँ। तो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे मुझे, और जैसे ही मेरा सारे घर के हालात कंडीशन नॉर्मल होती है, तो फिर मैं रेगुलर आप लोगों के साथ रहूँगी। तो जो आप मुझसे नाराज़ ना हो, तो मैं ज़रूर विज़िट किया करूँगी, डेली कोशिश करूँगी। फ़िलहाल मैं आपको यही बता रही हूँ, काफ़ी कंडीशन ख़राब है, आप बस मेरे लिए प्रे करें, और मेरे हस्बैंड के लिए, कैरल के लिए, मेरी फैमिली के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।